Mirchi Bollywood. इनका जलवा बॉलीवुड ही नहीं आज हॉलीवुड में भी है। हर लड़की के लिए मोटिवेशनल सोर्स की तरह है ये, चाहे वो मैरी कॉम की मैरी हो या फैशन की मेघना माथुर। बॉलीवुड में कुछ ही आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। इन एक्टर्स की लिस्ट में इनका नाम टॉप पर है। ये है मल्टी टैलेंटेड बॉलीवुड की देसी गर्ल और पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं। प्रियंका आजकल इंडिया में कम और विदेश में ज्यादा रहती हैं। साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनी प्रियंका चोपड़ा एक सुपरहिट एक्ट्रेस के साथ साथ सिंगर भी हैं। पीसी ने अपनी खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग स्किल से सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस प्रियंका का जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। इंटरनेशनल स्टार के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी पीसी के फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। तमिल फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका ने साल 2003 में बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी पहली फिल्म द हीरो के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और इसके बाद प्रियंका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद प्रियंका ने अपने आप को हर रोल में साबित किया है, अपनी अलग पहचान बनाई। ये काम आसान नहीं था। इनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई पर ये डटी रही और कामयाब हुई। प्रियंका ने बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस एवरेज शुरुआत की थी, तब इन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि ये हीरोइन एक दिन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देगी। एक्टिंग की बात की जाए तो फिल्म फैशन में एक स्ट्रगलिंग मॉडल के रोल में प्रियंका को काफी तारीफ मिली थी। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी काफी सराहा था। फिल्म बर्फी में प्रियंका ने अपनी एक्टिंग के बदौलत लोगों का दिल जीता था। प्रियंका को इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी मिले थे। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम की बायोपिक में भी प्रियंका चोपड़ा ने कमाल ही कर दिया था। इन्होंने फिर से दिखा दिया कि बॉलीवुड में इनका कोई तोड़ नहीं। बेशक प्रियंका चोपड़ा फिल्म बाजीराव मस्तानी में सपोर्टिंग रोल में थी, लेकिन इन्होंने इसमें भी शानदार काम किया। प्रियंका को सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। प्रियंका के पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का नाम अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। अक्षय के साथ नजदीकियों ने ट्विंकल खन्ना को चौकन्ना कर दिया और ट्विंकल ने फरमान सुनाया कि अब वो प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। फिल्म वक्त के बाद लंबे वक्त से अक्षय ने प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं की है। कमीने के बाद प्रियंका का नाम शाहिद कपूर के साथ भी जुड़ा। जल्द ही वो नजदीकियां भी दूरियों में तब्दील हो गई। प्रियंका के अफेयर के चर्चे हरमन बावेजा के साथ भी हुए। सलमान के साथ प्रियंका ने कई फिल्में की, लेकिन सलमान से रिश्ते खराब होने की वजह से उन्हें सलमान कैंप से बाहर कर दिया गया। शाहरुख के साथ नजदीकियों की खबरों ने उन्हें शाहरुख से भी दूर कर दिया, क्योंकि इन नजदीकियों का असर गौरी खान पर पड़ रहा था। इधर शाहरुख ने प्रियंका से दूरी बनाई, उधर गौरी के फ्रेंड करण जौहर ने भी उन्हें धर्मा प्रोडक्शन से लगभग आउट ही कर दिया। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ हाथ धोने के बाद प्रियंका ने रुख किया हॉलीवुड का। फिर ये हॉलीवुड के साथ साथ इंडिया की खबरों में छा गई। प्रियंका के अलावा किसी एक्ट्रेस ने इंटरनेशनल लेवल पर इतना नाम नहीं कमाया। आगे भी वो सफलता के झंडे गाड़ती रहे, इनके सभी फैंस तो बस यही विश करेंगे। मिर्ची बॉलीवुड।